एज अ सेलिब्रिटी रजिस्टर होने के लिए ये फनकार का मेन होम पेज है। इससे हम साइड मेन्यू में जाएंगे, गेस्ट साइन इन को क्लिक किया, डोंट हैव एन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बॉटम पे रजिस्टर एज सेलिब्रिटी, यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। फ़ोन नंबर एंटर करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फ़ोन नंबर हमारा एक्टिव हो, मेरे पास हो, ताकि जो भी वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो उसको मैं एट अ टाइम डाल सकूँ और फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर सकूँ। वेरीफाई क्लिक करेंगे हम, OTP की स्क्रीन पे चला गया। जो वन टाइम पासवर्ड रिसीव होगा वो इस ऑथेंटिफिकेशन के बाद हम उसको डालेंगे। जैसे ही OTP रिसीव होगा यहाँ पे मैं 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड एंटर करूँगी। प्रोफाइल क्रिएट होने के लिए आपके पास ये फॉर्म खुलेगा, आपने यहाँ प्लस के बटन को क्लिक करना है और ये आपकी गैलरी में आपको ले जाएगा जो भी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। मैं यहाँ से एक पिक्चर चूज़ करके एज अ प्रोफाइल पिक्चर इसको सेट करूँगी। देयर यू गो, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंटर होगा। ईमेल एड्रेस आपका फंक्शनल होना चाहिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको बाद में कम्युनिकेशन के लिए, ईमेल का फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। पासवर्ड सेट करते हुए आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको 8 नंबर्स या 8 अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के मिक्सचर का, लेकिन 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखना होगा और उसमें एक वर्ड कैपिटल होना मस्ट है, अदरवाइज वो आपका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रोफेशनल नेम में जो भी आपका नाम फैंस में पॉपुलर है या फैंस के लिए आपने अपना जो भी नाम यूज़ किया हुआ है इसमें वो लिखेंगे आप, ताकि आपके फैंस आपको पहचान सकें। मैं इसमें एक रैंडम सा नेम एंटर करूँगी जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। जेंडर सेलेक्ट करूँगी, प्राइम कैटेगरी चूज़ करते हुए आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो भी आप यहाँ चूज़ करेंगे ये ऐप पे डिस्प्ले होगा और ये बाद में चेंज नहीं हो सकता। इसी से आपके फैंस आपको सर्च में देखेंगे और यही आपकी प्रोफाइल में डिस्प्लेड होगा मेन कैटेगरी के तौर पे। सो चूज़ करते हुए थोड़ा वाइजली प्ले कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग में ये वेरिफिकेशन का एक छोटा सा प्रोसेस है। इसमें आपका CNIC या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक चीज़ रिक्वायर्ड होगी। मैं इसमें रैंडम पिक्चर ऐड करके आपको सिर्फ ऐड करने का प्रोसेस बता रही हूँ। आफ्टर एडिंग दिस आई एग्री टू टर्म्स एंड सर्विसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इसको क्लिक करूँगी, अदरवाइज ये मुझे रजिस्टर नहीं करने देगा, इट्स अ मस्ट। जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया मेरी प्रोफाइल क्रिएट हो गई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फनकार।